हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ टॉक्स वेलअप। टू व्हीलर्स में सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स शायद टीवीएस के अलावा कोई और कंपनी करती होगी, चाहे वो पूरी तरीके से इंडिया में बनी टीवीएस विक्टर हो, चाहे वो टीवीएस एक्सेल 100 हो, चाहे विदाउट क्लच बाइक जाइव हो। टीवीएस ने 2009 में क्लचलेस बाइक जाइव को लॉन्च किया था। इसके बाद टीवीएस ने सेम 110cc इंजन के साथ नया एक्सपेरिमेंट किया और फोर रियर शॉकर्स के साथ एक ऐसी बाइक बना डाली जो कि डिटैचेबल पिलियन सीट के साथ आती थी, छोटे मोटे व्यापारियों, न्यूज़पेपर सेलर्स और डोर टू डोर डिलीवरी मैन की नीड को ध्यान में रखते हुए टीवीएस ने अपनी बाइक मैक्स 4R को लॉन्च किया था। टीवीएस ने अपने पुराने ब्रांड मैक्स 100 को रिवाइव करने की कोशिश की थी, पर ज़्यादा सक्सेस मिल नहीं पाई टीवीएस को। हालांकि बजाज ने बॉक्सर बाइक में ये डिटैचेबल सीट वाला फीचर अर्ली 20s में इंट्रोड्यूस कर दिया था। टीवीएस मैक्स 4R में 4R बताता है कि इस बाइक में फोर रियर शॉक एब्जॉर्बर्स दिए गए हैं। टीवीएस मैक्स 4R का एक स्टैंडर्ड वर्जन था जो स्प्लिट सीट्स के साथ आता था और दूसरा वेरिएंट मैक्स 4R LX रेगुलर सीट के साथ लॉन्च हुआ था। इस गाड़ी में पीछे दोनों तरफ दो दो शॉकर्स दिए गए थे। चार शॉकर्स होने की वजह से इस गाड़ी की लोडिंग कैपेसिटी और सिटी में कंफर्ट या स्पीड ब्रेकर पर चलने में मिल्कमैन को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, इसलिए आज भी मिल्कमैन इस गाड़ी को प्रेफर करते हैं। टीवीएस मैक्स 4R में 110cc का फोर स्ट्रोक इंजन दिया गया था जो कि 9 BHP की पावर जनरेट करता था। बाइक तो डिसकंटिन्यू हो गई, लेकिन आपको डिटैचेबल रियर सीट वाला अगर ऑप्शन चाहिए, अगर ये फीचर आपको चाहिए, तो टीवीएस एक्सेल 100 में आपको ये फीचर मिल जाएगा। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद।